मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की रैली में गजब का वाकया देखने को मिला। मंच पर एक कार्यकर्ता उन्हें गुलदस्ता देने पहुंचा। जब प्रियंका ने गुलदस्ता देखा तो उसमें फूल ही नहीं थे, गुलदस्ता अंदर से खाली था। ये देखकर प्रियंका गांधी हंसने लगती हैं और उस कार्यकर्ता की तरफ देखकर इशारा करती हैं कि ये है क्या। फिर उसे भी हंसी आ जाती है। वहां मौजूद दूसरे नेता और कार्यकर्ता भी हंसने लगते हैं। दरअसल उस कार्यकर्ता को पहले अंदाजा ही नहीं होता है कि गुलदस्ते में तो फूल ही नहीं है। वो बड़ी ही उत्सुकता के साथ गुलदस्ता देने पहुंचा था, लेकिन प्रियंका के सामने उसका पोपट हो गया। इस तरह मंच पर गजब की कॉमेडी हो गई और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। इसी रैली के दौरान एक और वाकया हुआ, वो ये कि प्रियंका गांधी जैसे ही स्पीच देने के लिए आगे आई तो माइक ठीक नहीं था और आवाज ही नहीं आई। फिर प्रियंका को दूसरे माइक के पास आने के लिए कहा गया, तब जाकर प्रियंका का भाषण शुरू हुआ। अब सुनाई दे रहा है। इस रैली में प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका महंगाई का मुद्दा उठाते हुए सरकार पर कुछ इस तरह बरसी। विकास की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, लेकिन देश का गरीब और गरीब होता चले जा रहा है। महंगाई से सब जूझ रहे हैं, सब परेशान हैं। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी देश में आज है। एक आंकड़ा है, आपने सुना होगा, मध्य प्रदेश की सरकार ने पिछले 3 सालों में 21 रोजगार दिए हैं, मात्र 21 रोजगार। आप सोच सकते हैं कि जब सरकारी पद, तमाम पद खाली पड़े हुए हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था में देखिए, हर स्तर पर 90% से ज्यादा पद खाली हैं, फिर भी नौजवान बेरोजगार हैं। नौजवान के लिए माता पिता मेहनत करते हैं, फीस भरने के लिए कोई किसान मेहनत कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, खूब मेहनत कर रहे हैं कि ट्यूशन करें, भर्ती की परीक्षाएं करें, उनकी फीस भरते हैं, और फिर भी सब करने के बावजूद तमाम नौजवान बेरोजगार खड़े हैं। जब जब मैं सभाओं में जाती हूं, मैं पूछती हूं कि बताइए, आपको रोजगार मिला है, प्रदेश की सरकार ने दिया है, तो हमेशा यही जवाब मिलता है कि नहीं दिया। एक तरफ खाली पद, दूसरी तरफ बेरोजगारी, एक तरफ गरीबी, दूसरी तरफ महंगाई को रोकने का कोई प्रयास नहीं। प्रयास तब शुरू होते हैं जब चुनाव आते हैं। इसका सबसे अच्छा मिसाल गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते चले गए, 1200 1400 तक आ चुके हैं। चुनाव आने वाला है, 2 महीने पहले इन्होंने इसको 400 रुपए कर दिया। इससे पहले क्या हो रहा था? क्या इससे पहले लोग महंगाई से नहीं जूझ रहे थे? क्या इससे पहले गैस सिलेंडर को खरीदना भरवाना मुश्किल नहीं था? तो चुनाव के समय क्यों हो रही है ऐसी घोषणाएं? ये एक ऐसी सरकार है जिसने 22,000 घोषणाएं की हैं और 22,000 घोषणाओं में से मुश्किल से 22 घोषणाएं पूरी की होंगी। तो आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि सरकार किस तरह से चल रही है।